मलोड दे विच एक बेहद रूह कंबाऊ वारदात वापरी है। इत्थे एक गुआंढी दे वल्लों अपने ही गुआंढी दा लक्कड़ दा कुहाड़ा मार के कतल कर दिता गया। इस घटना तों बाद पूरे इलाके दे विच दहशत पसर गई ते उधर ही परिवार दे विच मातम दा माहौल है। ये पूरी वारदात मलोड दे रजिंदर नगर दी दसी जा रही है, जिथे मनजीत सिंह दा उसदे ही गुआंढी दे वल्लों कतल कर दिता गया। दोषी मौके तों फरार हो गया, जिसकी भाल दे विच पुलिस हुण लगी हुई है। जानकारी मुताबक मनजीत सिंह अते उसका गुआंढी दोवें ही मंजा दा व्यापार करदे सन अते देर शाम किसी गल नूं लै के मामली तकरार हो गई अते वेखते ही वेखते ए मामली तकरार खूनी झड़प दे विच तब्दील हो गई ते इस दौरान ही मनजीत सिंह दा उसदे ही गुआंढी दे वल्लों लक्कड़ दा कुहाड़ा मार के कतल कर दिता गया अते गुआंढी खुद मौके तों फरार हो गया। मौके ते पहुंची पुलिस दे वल्लों मनजीत सिंह दी पत्नी दे बयाना दे आधार ते मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दित्ती गई है अते कातल दी भाल कीती जा रही है। हालांकि यह कतल क्यों किया गया इसके पिछे कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि परिवार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है ते उधर ही पुलिस दे वल्लों भी तफ्तीश की गल कही जा रही है। कारण भावे जो भी होवे पर इस घटना ने एक बार फिर तो साबित कर दिता है कि अजकल दे समय दे विच लोकां दे विच सहनशीलता इन्नी घट गई है कि मामली जिही गल नूं लै के भी एक दूजे का खून वहाउण तों नहीं कतराउंदे। दैनिक सवेरा टीवी दे लई तरसेम टुडी दी रिपोर्ट। मलोड दे विच एक बेहद रूह कंबाऊ वारदात वापरी है। इत्थे एक गुआंढी दे वल्लों अपने ही गुआंढी दा लक्कड़ दा कुहाड़ा मार के कतल कर दिता गया। इस घटना तों बाद पूरे इलाके दे विच दहशत पसर गई ते उधर ही परिवार दे विच मातम दा माहौल है। ये पूरी वारदात मलोड दे रजिंदर नगर दी दसी जा रही है, जिथे मनजीत सिंह दा उसदे ही गुआंढी दे वल्लों कतल कर दिता गया। दोषी मौके तों फरार हो गया, जिसकी भाल दे विच पुलिस हुण लगी हुई है। जानकारी मुताबक मनजीत सिंह अते उसका गुआंढी दोवें ही मंजा दा व्यापार करदे सन अते देर शाम किसी गल नूं लै के मामली तकरार हो गई अते वेखते ही वेखते ए मामली तकरार खूनी झड़प दे विच तब्दील हो गई ते इस दौरान ही मनजीत सिंह दा उसदे ही गुआंढी दे वल्लों लक्कड़ दा कुहाड़ा मार के कतल कर दिता गया अते गुआंढी खुद मौके तों फरार हो गया। मौके ते पहुंची पुलिस दे वल्लों मनजीत सिंह दी पत्नी दे बयाना दे आधार ते मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दित्ती गई है अते कातल दी भाल कीती जा रही है। हालांकि यह कतल क्यों किया गया इसके पिछे कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि परिवार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है ते उधर ही पुलिस दे वल्लों भी तफ्तीश की गल कही जा रही है। कारण भावे जो भी होवे पर इस घटना ने एक बार फिर तो साबित कर दिता है कि अजकल दे समय दे विच लोकां दे विच सहनशीलता इन्नी घट गई है कि मामली जिही गल नूं लै के भी एक दूजे का खून वहाउण तों नहीं कतराउंदे। दैनिक सवेरा टीवी दे लई तरसेम टुडी दी रिपोर्ट।